Assalamualaikum Pakistan. Aur Assalamualaikum Karachi Kings. Karachi Kings ke liye taaliyan se bharpoor. Okay, ji, aaj स्पेशल शो है हमारा. कराची किंग्स की टीम का लॉन्च होने जा रहा है. सबसे अच्छी बात यह है कि कल हमारी टीम जो है वो दुबई जा रही है और हम कोशिश करेंगे कि आज उनको मोटिवेट करें, उनको बकअप करें और उनको अपनी बेस्ट विशेष भी दें ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और जब वो जीत कर यहाँ वापस आएंगे इंशाल्लाह. जैसा कि हमें पता है कि कराची में ही फाइनल भी होना है तो अल्लाह करे कि कराची किंग्स की टीम खेले. सारे मिलकर तालियां एक बार फिर से हमारी टीम के लिए बजाएंगे. तो फिर बुलाते हैं सबसे पहले हमारे प्यारे और आप सबके दुलारे द वन एंड ओनली वसीम बादामी साहब को. भाई बादामी साहब भी यहां पर आ चुके हैं कराची किंग्स को सपोर्ट करने के लिए. बादामी क्या कहना चाहेंगे सर आप? भाई एक बार फिर कराची की रौनकें बहाल होने जा रही हैं कराची किंग्स की वजह से, तो हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और इंशाल्लाह कल हमारी टीम जा रही है दुबई. मुझे बहुत उम्मीद है कि अब की दफा फाते बनकर लौटेंगे इंशाल्लाह. कराची में कराची किंग्स फाइनल खेलेगी इंशाल्लाह. बात है जबरदस्त. तो अब जी हमने बढ़ना है आगे और हमने बुलाना है ओनर कराची किंग और कराची की जेन्युइन शान जो कि वाकई कराची की रोशनियों को वापस लेके आए और कराची के लोगों का वो कॉन्फिडेंस दोबारा से रिस्टोर किया कि वो अपने घरों से निकलकर इस तरह की एक्टिविटीज में जा सकते हैं. हमने पिछले दो साल से देखा कि नेशनल स्टेडियम में कराची का लॉन्च इवेंट होता था कराची किंग्स का, इतने सारे लोग आते थे, सारी पार्टियों के लोग भी आते थे. ये भी बहुत अच्छा लगा कि सबको एक जगह इकट्ठा किया था. वन एंड ओनली ओनर ऑफ कराची किंग्स सलमान इकबाल अलॉन्ग विद कराची किंग्स की पूरी टीम. हसन मोहसिन और इनके साथ साथ हमारे पाकिस्तान की शान द वन एंड ओनली हुमायूं सईद भी यहां पर मौजूद है. उनके लिए बहुत सारी तालियां. इन्होंने पाकिस्तान कराची किंग्स का ऑफिशियल गाना भी गाया, अभी हम उसको लॉन्च भी करेंगे. शहजाद रॉय के लिए बहुत सारी तालियां चाहिए. और मैं चाहता हूं जिसका जहां दिल करता है बैठ जाइए क्योंकि अपना ही शो है, कोई टेंशन की बात नहीं है. शुरुआत कर लेते हैं जनाब, सबके सब यहां पर आ चुके हैं. सबसे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं हमारे ओनर कराची किंग से, सलमान भाई से. सलमान भाई, सलमान भाई को माइक दे, बैठ रहे, चिल करें, रिलैक्स, टेंशन की कोई बात नहीं. सलमान भाई कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह. बताइए क्या होने जा रहा है इस साल? ये तो आप शाहिद से और इमाद से और टीम से पूछें. अभी आते हैं उससे, लेकिन पिछली दफा आपने बहुत ऐसे प्लेयर लिए जो कि बाहर के प्लेयर थे. इस दफा आप सही चॉइस जो कराची की जेन्युइन शान है उनको आप लेकर आए हैं, वो है शाहिद खान आफरीदी साहब जो कराची किंग्स की तरफ से खेलेंगे इस दफा. और ये मौका मुझे मिला कि ये जब हुआ मामला तय तो ये मेरे ऑफिस में तय हुआ, तो मुझे भी नहीं पता था किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो सलमान भाई ने मेरे ऑफिस में आया, मुझे कहा कि यार कोई मुझसे मिलने आ रहा है. तो मैंने कहा अच्छा कोई आ रहा होगा मिलने, खैर होगी कोई बात नहीं. 5 मिनट के बाद मेरे ऑफिस में सारे हक्का बक्का हो गए लोग सारे, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी साहब जो है वो चलते हुए मेरे ऑफिस में. मैं खुद थोड़ी देर मैं अंदर जाके पूछा मैं चाय वाय लाऊं आपके लिए कुछ इस तरह का, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी अगर आपके ऑफिस में आए तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात होती है. मुझे ये ऑनर हासिल हुआ, तालियां चाहिए. शाहिद भाई को माइक देंगे. शाहिद भाई प्रेसिडेंट कराची किंग कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा अभी आपने पहला क्वेश्चन सलमान भाई से जो पूछा था वो क्या था? वो ये था कि इस बार क्या ख्याल आता है. जी, बिल्कुल. तो इन्होंने मेरे और इमाद वसीम पे डाल दिया. बिल्कुल. शुरू के जो 2 साल थे उन्होंने ये कहा था कि हम जीतेंगे तो वो तो नहीं हो सका.
इस बार हम पे डाल दिया प्लेयर. अच्छा, ये बहुत अच्छा किया कि आपने प्लेयर्स पे जिम्मेदारी छोड़ दी है. नहीं, वैसे मैंने हर साल प्लेयर पे जिम्मेदारी छोड़ी हुई थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है किसी ने कहा था कि आपने लास्ट टाइम गाना बनाया था जिसमें कराची भागेगा, कराची दौड़ेगा. मैंने कहा ऐसा गाना हमने बनाया ही नहीं था. हमने बनाया था कराची धाड़ेगा. कराची धाड़ेगा, धाड़ेगा. अच्छा, और इंशाल्लाह धाड़ेगा. देखिए ना, हम जीते या हारे जी, है ना, गेम होती है. गेम होती है, एब्सोल्युटली. हम धाड़ते जरूर है. क्या बात, अच्छी बात. क्रिकेट इज, और कराची वाले ओन करते हैं आपको, जेन्युइनली ओन करते हैं. बहुत ज्यादा. तो ये एक बहुत अच्छी बात है. इंशाल्लाह इस साल भी कराची वाले आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे. और शाहिद भाई भी साथ में जुड़ गए. शाहिद भाई, ऑनेस्टली आप दूसरी टीम से भी खेले, माशाल्लाह आपने जितवाया बीपीएसएल उस टीम को. अब क्या आपको लगता है कराची की स्ट्रेटेजी क्या होगी इस साल? वेल, मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है ओवरऑल. ये नहीं कि मैं कोई एक्स्ट्रा तारीफ कर रहा हूँ. बहुत अच्छा, जितने भी हमारे कोचेज हैं, राशिद भाई वगैरह, इन सब ने, तारिक वगैरह ने, इन सब ने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है. कोच नहीं बन के इमाद वसीम ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कि किन प्लेयर्स को मैंने खिलाना है और किन प्लेयर्स को कहाँ यूज़ करना है. तो प्लान बहुत ज़बरदस्त है. अल्लाह करे जो प्लान बनाया उस हिसाब से खेलें. जो नए बच्चे आए इसके लिए बड़ी मेहनत की है हमारी मैनेजमेंट ने. कोचिंग मसरूर यहाँ बैठे हुए, राशिद भाई बैठे हैं, सिंध तक गए, वहाँ से जो टैलेंट नजर आया उनको शहर में लेके आए. तो यही पीएसएल कराने का फायदा है कि हम अपने क्रिकेटर्स को अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो पाकिस्तान की खिदमत कर सके. तो मैं खासतौर पर आवाम को कहूँगा कि बड़ी ज़बरदस्त तालियाँ इनके लिए बजाएं, इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त मेहनत. शाहिद आफरीदी के लिए इमाद वसीम की क्यादत में खेलना, ये कैसा एक्सपीरियंस होगा? एज ए क्रिकेटर कोई बड़ी बात नहीं है. आई थिंक मेरे लिए बड़ी बात है कि देखें अभी तक मैं रिटायर नहीं हो रहा, मैंने लोगों को रिटायर करवा लिया. इमाद वसीम एक बहुत आपका बल्कि बड़ा पन है कि आपने खुद ही मेरी कोशिश थी कि इमाद वसीम पे सारा प्रेशर आ जाए और मैं एंजॉय करूं, रिलैक्स होकर क्रिकेट खेलूं. ओके, तो फिर इमाद वसीम से ही पूछेंगे क्या प्रेशर इस दफा ज्यादा होगा कि शाहिद खान आफरीदी भी प्लेइंग 11 में हो. तो ये तो इटसेल्फ बड़ी एक, कैसे बोलोगे लाला को के गली पे खड़े हो जाए? ऐसा बोल के बताओ ना. हम पूछूंगा गली में खड़े होंगे कि नहीं. गली वाला नहीं, नहीं think, रहा मैं. आई थिंक क्योंकि मैं इनकी कैप्टनसी में खेला था और मैंने बहुत कुछ सीखा और जितना मुझे सपोर्ट किया, मुझे यही उम्मीद थी कि मुझे आगे भी करेंगे और हमेशा से करते हैं, अभी भी कर रहे हैं. आप देख लें, आपके सामने इस तरह कह रहे हैं और इतना बड़ा प्लेयर आपके लिए बात करे, सो इट्स अ ग्रेट ऑनर. क्या बात है, विश यू ऑल द बेस्ट यार. बहुत सारी तालियां महाद वसीम के लिए होनी चाहिए. और जी, बहुत सारे नए खिलाड़ी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके हवाले से भी सलमान भाई थोड़ी सी बात करेंगे. जैसे भी शाहिद भाई ने बताया कि इंटीग्रेशन से भी आप लोगों ने प्लेयर्स को लिया और सारा मौका दिया, और बड़ी अच्छी बात है कराची में एक बार फिर से जो है प्लेयर्स, जो क्रिकेटर्स निकलते थे वो एक बार फिर यहाँ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए निकलेंगे. तो कितने नए प्लेयर्स हमने डाले हैं इस दफा पीएसएल के अंदर? हमने डाले तो 3 प्लेयर्स नए हैं. कहते ना कि हमें, हम अगर चाहते, इतने अच्छे लोग हमें, इतने अच्छे खिलाड़ी मिले हमें कि हमारा बस चले तो उनको सबको हम अपनी साथ टीम में शामिल कर दें. और मेरे ख्याल से मैं राशिद भाई से बात कर रहा था तो राशिद भाई कह रहे थे कि इंटीरियर सिंध में मेरे ख्याल से शायद कभी कोई गया नहीं है जी टैलेंट हंट करने. मैं तो गया हूँ. नहीं, आपके अलावा. आप तो हैं इंटीरियर, किसी और काम से गए होंगे ना. टैलेंट हंट के लिए कह रहा हूँ. अच्छा, तो शूटिंग के लिए गया हूँ. वो सेम काम ही है जो तुम करते हो. ये टैलेंट इन्हीं का है. वैसे जो क्रिकेट प्रेशर की बात हो गई थी जी, जो प्रेशर की बात हो गई थी, अभी हम बाहर खड़े हुए थे तो वालिद साहब ने मुझे कहा कि कप्तान किधर हैं. तो इमाद साहब ने आगे कहते कब जीत के आने आया. तो शायद कहता है शुक्र अल्लाह का मैं कप्तान नहीं हूँ. मेरा प्रेशर ठट गया साहब, प्रेशर सारा निकल गया. नहीं, इंशाल्लाह देखना इस दफा हर साल हम एक से एक प्लेयर लाते हैं अपनी कराची किंग्स में. लास्ट ईयर उस्मान शिनवारी वॉज कराची किंग की फाइन थी और उसने जब अपना डेब्यू किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसने 5 विकेट ली पहले मैच के अंदर. तो ये बहुत बड़ी एक पीएसएल को मिला है कि उसकी वजह से इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आने शुरू हो गए हैं, नए प्लेयर्स. और नए प्लेयर्स के साथ साथ जो हमारे पुराने प्लेयर हैं उनकी फिटनेस और उनकी गेम कम्प्लीटली चेंज हो गई है जी. और आप जितनी भी देखें हमारे शोएब मलिक हैं, शाहिद आफरीदी, सारे जो है ना इस वक्त फिट और ज्यादा फिट हैं, ज्यादा फिट हो गए बिकॉज वो सब यू नो यंगस्टर्स बर्फ में भी क्रिकेट खेल लेते हैं. हाँ, आजकल बर्फ में भी क्रिकेट हो रही है तो अच्छी बात. सर बादामी साहब, मैं चाहूंगा जरा हाजी इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, हाजी जान मोहम्मद साहब मौजूद हैं, रऊफ भाई, जो सारे के सारे रूहे रवा हैं यार भाई के, जरा उनसे थोड़ी सी बात करें. तो जान मोहम्मद साहब, ये कैसी फीलिंग है कि जब पूरा शहर, पूरा मुल्क कनेक्टेड होता है, पूरे शहर में एक एक्टिविटी होती है, पूरे मुल्क में एक एनर्जी होती है और उसकी वजह कराची किंग्स होता है, उसकी वजह ARY नेटवर्क होता है, उसकी वजह आप लोगों का विजन, सलमान इकबाल साहब की मेहनत होती है, ये कैसी फीलिंग होती है? ये अल्लाह ताला का सारा करम है, उसकी मेहरबानी है.
जो ये सारे काम हमारे हाथ से करा था। सही। और इकबाल भाई, मुझे याद है, अगर आप भी बता सकें, लास्ट टाइम जब नेशनल स्टेडियम कराची में आप लोग सब एंटर हो रहे थे और उस वक्त क्राउड का जो एक मंजर था, उस वक्त आप लोगों की आंखों में जो मैंने एक खुशी, एक चमक, एक होप देखी थी, वही माशाल्लाह सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आ गया है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद रखिए कि हर गुजरते साल के साथ इन रौनकों को, इस एनर्जी को मजीद बढ़ाना है कराची किंग्स के जरिए, ARY के जरिए। देखिए, रजा भाई का असल शौक था क्रिकेट। अच्छा, हाँ, शारजा क्रिकेट स्टेडियम। जी जी सारा, और हमेशा ये इसी का सोचते थे। और PSL लम्बे ने हमें दिया, फिर कराची किंग्स में सलमान और सारी कौम हमारे साथ हो गई। तो जारी बात है, ये विजन तो उनका था, हम तो उसको धक्का लगा रहे हैं, और सलमान को बड़ा अच्छा धक्का लगा रहा है। क्या बात, बहुत अच्छी बात। सर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं, और मैं ये बताना चाहूँ आपको कि नए प्लेयर्स के अंदर दम कितना है, आज हम यहीं पे चेक करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम जीतो पाकिस्तान कर रहे हैं। सर आप लोग तो सारे आ गए हैं, और आज जीतो पाकिस्तान जीतो कराची के नाम से भी कहलाएगा, और नए प्लेयर्स जो होंगे उनको हम यहाँ पर बुलाएंगे और उनके साथ कुछ गेम्स खेलेंगे और बांटेंगे बेशुमार मोटरबाइक और साथ साथ में बहुत सारा सोना भी। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। सबसे पहला गेम जो हमारे पास है वो है सुपर पावर की हैवी बाइक का, जो कि 200cc है। तो देखते हैं कि कौन से नए प्लेयर्स आज सलमान भाई और शाहिद भाई डिसाइड करेंगे। सर डिसाइड करें कौन से चार वो प्लेयर जिनमें आपको लगता है कि बहुत सारा दम है, वो यहां पर आकर कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। कौन है अपने हमारे नए प्लेयर्स? अमाद आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, हुमायूं भाई आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेरी आज इन सबसे पहली मुलाकात है, वैसे देखते रहा हूं इनकी, मुझे नाम का थोड़ा सा इशू है। हाँ भाई, राशिद भाई मेरी हेल्प करें। राशिद भाई को माइक देंगे। राशिद भाई फटाफट से राशिद भाई को माइक देंगे। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई कैसे मिजाज है, खैरियत से? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत? बहुत बहुत खुश आमदेद सर आपको, हमारे लिए ऑनर की बात है आज आप यहाँ पर आए हैं। सवाल आपसे, कौन से लड़के आपको लगता है, ये बच्चे हैं रोते रहते हैं, टेंशन की बात नहीं, बताइए कौन से लड़के आपको लगता है जिनके अंदर ज्यादा दम है, जो हथौड़ा जोर से मार सकते हो, क्या लगता है सर आपको? मेरे ख्याल से सबसे पहले ट्राई, सबसे ज्यादा जो दम है ना जी, वो तो शाहिद अफरीदी में है। तो पहले शाहिद भाई से एक टारगेट सेट करवाते हैं और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि देखिए आज दो पर्सनालिटीज हैं, एक क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम और एक हमारी फिल्मों का बहुत बड़ा नाम, दोनों में बहुत सारी जान है। राशिद भाई मुझे चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर अभी भी दम है कि नहीं है, तो एज अ कोच मुझे वो चेक करना चाह रहे हैं। राशिद भाई आज देखिए हम बातों में सब चेक करवा लेंगे, स्टार्ट तो वहां से हो जाए, बाकी चार नाम में दे देता हूं। ठीक है, आप चार बंदे निकाले जब तक हम शाहिद भाई से टारगेट सेट करें। शाहिद भाई प्लीज आए, बहुत सारी तालियां शाहिद भाई के लिए। शाहिद खान अफरीदी, शाहिद भाई इरफान खड़े हो, वार्म अप कर ले, एक ही बारी मिलेगी सर आपको, देखे और उसी पे जितना जोर है, ये उल्टा हथौड़ा सीधा, ये वाला, हाँ ये वाला, चले जी, एक दो तीन और देखते हैं और 520 का रिकॉर्ड बना दिया भाई शाहिद आपने। आप जी शाहिद भाई ने तो 520 का बना दिया, लेकिन हम अपनी तरफ से हमारे शोबिस के जो किंग हैं उनको भी बुलाकर उनसे भी एक रिकॉर्ड सेट करवाना चाहते हैं। हुमायूं सईद के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए भाई। आइए 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 सर जी, आज देखते हैं आप पंजाब जाते हैं नहीं जाते, आओ ना, मैं करूं हेल्प दुर्दाना। यार मेरे साथ एक बंदा और होना चाहिए, फैसल कुरैशी हमारे प्यारे दोस्त, और बोलो भाई, देखते हैं कि अब किस में ज्यादा जा रहे हैं। 520 का रिकॉर्ड है, याद रहे चेहरा बचा के थोड़ा सा साइड बेस खड़े होइएगा, ठीक है? 520 का रिकॉर्ड है शाहिद खान अफरीदी का, फैसल भाई को माइक दे दे फटाफट से, चले भाई एक, ये कुल्हाड़ी नहीं चलानी है दोस्त। हाय हाय हाय, ओके ओके, नहीं सर जी, 450 अब सर राशिद भाई तैयार है आपके लड़के इरफान। हाँ भाई इरफान, ओ तेरी है, इसके लिए तो अलग से हथौड़ा कोई बनवाए। इरफान साहब कैसे आप, खैरियत से? ठीक ठाक भाई जान, अब असल मुकाबला शुरू हो गया, मतलब के सुपर पावर की ये वाली मोटर बाइक जीतने के लिए आपको जोर से हथौड़ा मारना पड़ेगा, अपना चेहरा बचा के, पहले इंजर्ड मत हो जाना, बहुत खर्चा हुआ है तुम लोगों पे। चलो भाई एक दो तीन और, हथौड़ा तो सीधा कर ले यार, यार हमारा क्या कसूर जी? हाँ जी चलो जी एक, हाँ नहीं, हाँ ये साइड सीधी है ना, हाँ चलो एक दो तीन और 600
नहीं 600 अरे नहीं 600 अरे 503 शायद भाई लड़के फिट है अच्छी बात है जी सर नेक्स्ट कौन है 530 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कौन आएगा आ जाओ उस्मान नहीं नहीं शादी हुई तुम्हारी आ जाओ पिछले पीएसएल पे ये बहुत घर जाना चाह रहे थे जल्दी जल्दी क्योंकि इनका निकाह था कुछ अरसे के बाद बेसिकली तो इनका दिल वहां लग नहीं रहा था लेकिन आज देखते हैं क्या होता है सर 530 का रिकॉर्ड है अब देखते हैं क्या सिचुएशन होती है डर ऐसी बस मुंह पे ना लगे अपना मुंह बचाना चलो एक दो और क्या लगता है दोस्त क्या हुआ 475 नहीं भैया अभी तक इस साल हो गया कह रहे एक साल हो गया शादी को ये अच्छा है बायन 520 का रिकॉर्ड अभी भी वैसा का वैसा 530 का लेट्स सी क्या होने जा रहा है चले भैया एक दो तीन और लेट्स सी ये ज्यादा है भाई हैं ये ज्यादा है 540 वाह वाह बस इमाद इनको बल्ले नहीं इनको हथौड़े देके ना भेज देना मामला ठीक हो जाए और सर आखिरी कौन है मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि आज यहाँ पे हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर भी मौजूद है रवि बोपारा यहाँ पे मौजूद है बहुत सारी तालियां चाहिए रवि बोपारा के लिए रवि को माइक दीजिएगा रवि को माइक दे दे रवि को माइक दे दे हेलो रवि हाउ आर यू जी हेलो रवि हाउ आर यू Good very to good, see you, sir. Welcome good. to Pakistan. Welcome to Karachi, first of all. Thank you. You've been a very important part of Karachi King lately, as we've seen. MashaAllah, you've played wonderful innings as well. You've bowled amazingly. So now there's one thing. All these young guys, they are here to challenge you. So now let's see what you can do. Since international players are a lot more fitter, so you have to prove it. Taliyon chahiye. Come, sir. Come on. Come. 530 ka record. 540 ka. 540. 540 is the set record, by the way. Chale ji, let's see. Rabe. Hello, sir. Doll, please aaiye. So, iska matlab hai motorbike aapko jayegi, sir. Aaiye, bada bache. Aaja. Mujhe bhi dunga. Lots of power. Aao, baitho. Aao, baad aap hi dhakka lagayenge. ओके सर जी हमारे दोस्त का ताल्लुक सक्कर से सक्कर मायवा ओ छोकरा सक्कर मायवा वाह वाह माशाल्लाह वेरी गुड नालो चाहता हूं मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब के लिए तालियां मेरे ख्याल से बहुत अरसे से इंटीरियर सीन से अगर कोई निकला है तो मैं ही निकला हूं उसके बाद ये निकला है तो ऑल द बेस्ट सर और आज बाइक जीत गया बेटा आगे जीतो मकसद तू ही करेगा आजा मेरे दोस्त ओके जी शुरुआत करते हैं अगला टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक बार फिर आपको इमाद और शायद भाई आपको मौका देंगे सर चार लड़के और निकाल लें जो कि पुशअप्स कर सके और पुशअप्स के जो किंग है हमारे पास वो है फैसल कुरैशी साहब मैं सच बता रहा हूं आपको नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप देखिएगा ये सिर्फ एक करके दिखाएंगे आपको उसके बाद फैसल एक तो बनता है यार तो वही ना एक हम सिर्फ एग्जाम्पल सेट करेंगे शायद भाई और इमाद प्लीज डिसाइड करें कौन सा हो गए वो चार तीन लड़के जो कि आपको बेहतर वैसे मैं आज सोच रहा हूँ राशिद भाई से भी एक पुशअप लगवा के देखें सबकी फिटनेस चेक तो कर रहे हैं वो अपनी फिटनेस का क्या हाल है राशिद भाई की पहली और आखिरी होनी है राशिद भाई और फैसल कुरैशी एक साथ पुशअप लगाएंगे ताली होनी चाहिए हाय राशिद भाई बड़ा टीवी में बैठ के सबको क्रिटिसाइज करना आसान होता है आज ये सारे प्लेयर जो दिल में ऐसा सोच रहे होंगे अब लगा ना पुशअप लगा मजा आएगा चलो भाई शुरुआत करते हैं चले फैसल भाई जल्दी से चले राशिद भाई कम ऑन और एक दो तीन स्टार्ट एक दो तीन चार पांच फैसल भाई जीत रहे छह सात आठ और दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सर फैसल भाई जीत गए ताली होनी चाहिए फैसल भाई के लिए यार तो राशिद भाई अमात एंड शाहिद भाई किसको बुलाएंगे सर
मेरी तरफ से रिजवान और ताबिश. रिजवान और ताबिश आपकी तरफ से, और इमाद आपकी तरफ से? मेरी तरफ से बाबर और रवि. बाबर और बाबर, फिर रवि. बाबर यू बीन चैलेंज अगेन, कम आ जाओ जल्दी से. और उधर वो कौन से, आ जाए भाई रिजवान और आ जाए फटाफट से. अब जी एक मिनट का वक्त है आप लोगों के पास. एक मिनट में जितने ज्यादा मैक्सिमम पुशअप्स आपने लगाए उतना ज्यादा आपको मौका मिलेगा 150cc मोटरबाइक सुपर पावर की. जी भाई बाइक निकाल के खड़ी कर दो ताकि मोटिवेशन तो मिले, पता तो चले थोड़ा सा, जरा लेके आप फटाफट से. अच्छा जी एक एक करके लगाएंगे, ठीक है. सबसे पहले कौन आएगा भाई आप लोगों में से? रिजवान, बाबर, आप आओगे? बाबर आजा, बाबर आजा भाई. बाबर, बाबर के लिए ताली चाहिए बहुत सारी. चलिए जी एक मिनट में जितने ज्यादा पुशअप लगेंगे. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बाबर. एक, मिल के दो, अभी तो इनिंग सेट हुई थी तेरी पहले ही. रवि 36 पुशअप. सर मेरे प्लेयर्स को इंजर मत करना, बाकी खैर है. सर आप ही ने भेजा इनको आज, बस इंजर मत करना बाकी खैर है. अभी देखिए वो पा रहा है रवि 36, सो एटलीस्ट यू नीड टू डू 37 पुशअप्स. एक दो तीन स्टार्ट. चल एक दो भाई वाह. फैसल भाई कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ करो ना करो शायद भाई से कोई प्रेडिक्शन करवा लो, सारी प्रेडिक्शन सही जा रही हैं. आपने क्या बोला था? रवि जीतेगा. कहा था 25-35 करेंगे, दूसरे कहा था 45-50 के बीच में. सीरियसली? हाँ ये चल रहा है यहाँ पे. शाहिद बाबा अंतर्यामी बाबा हो गया हो गए. चले भाई अब देखते हैं. सर जी आ जाओ मेरे दोस्त आ जाओ. अब देखना ये है कि आप 51 का रिकॉर्ड रवि का तोड़ सकते हैं. रवि यू वांट टू सिट, सिट. Sit. चलो भाई एक दो तीन स्टार्ट. एक दो उठिया चार पांच सलमान भाई कसम है आपको, मुझे वहां पिच के आगे जीतो पाकिस्तान करने दे, बाइक लेके खड़ा हूंगा, सब स्कोर करेंगे. नहीं फहद, फहद दो शख्स जो है ना जी, मतलब हमारे कप्तान ही है ना दोनों. हाँ जी उनकी भी फिटनेस चेक होनी चाहिए, तो शाहिद की और इमाद की दोनों की फिटनेस चेक होनी चाहिए. वाह 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 वाह. क्या तो मेरी टीम जीत गई ना. क्या आपकी टीम तो जीत गई, लेकिन देखिए वो तो दोनों का फिटनेस चेक होनी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं. बनती तो है. तो अभी आखिरी पहले इनको मुकाते हैं, उसके बाद फिर ठीक है डन करते हैं. सर जी आखिरी रिजवान. रिजवान छुप क्यों रहे हो? नहीं वो तो देंगे, लेकिन तुम्हें हरा के देंगे. आओ भैया भाई रिजवान के लिए तालियां. 63 का रिकॉर्ड है. चलो भैया एक दो तीन चार पांच छह Stop it.
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ भाई शाहिद भाई की टीम जीत गई, तालियां बजाइए उनके लिए। 64 बात साहब मोर भाई का पूजा की तरह आइए, ले गया लड़का भाई के चक्कर में है, आ जा जल्दी से, चलो सारे मिलके चक्कर में आबाद आ जा, आबाद आबाद आ जा चक्कर में, चलो भैया लगा आ जा, बहुत तो पावन सुपर पावन। ओके जी, हमारे पास एक और मेहमान है, मेरे पर्सनल फेवरेट यहाँ पर, उन्होंने कराची किंग्स का स्पेशल गाना भी गाया है और पिछले साल भी गाया था, बहुत सारी तालियां शहजाद रॉय के लिए होनी चाहिए सबसे पहले। भाई के बड़ा बच्चे भाई शहजाद भाई, पिछले साल भी गाना, इस साल भी गाना, बेहतरीन वाला गाना, लेकिन गाने तो आप गाते ही रहते हैं, लेकिन आप कितने फिट हैं, क्योंकि हमारे जो प्लेयरों के साथ साथ कहां जा रहे हो मियां, आइए आइए, अभी तो मजा आना शुरू है। अब देखे कम से कम आपको 20 पुशअप तो लगा के ही दिखाएंगे शहजाद भाई भी, तालियां बजाओगे तो लगा के दिखाएंगे ना। चलो भाई शहजाद भाई के लिए ताली और चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस भाई पच्चीस छब्बीस, हमने ये प्लेयर चुनी लिए, पचपन साठ तिरसठ बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ छियासठ सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी टू। सेवेंटी टू सेवेंटी टू आपने हम दोनों को टीम में क्यों नहीं लिया है राशिद भाई? राशिद भाई हम आपको देखें लाइव ऑडिशंस भी दे रहे हैं, ट्रायल्स की जगह हमें ऑडिशंस की आदत है, तो हम इस हिसाब से दे रहे हैं, क्या ख्याल है लड़के में अभी बहुत जान है। देखिए अगर डंड में लेना होता ना दूसरे लड़के होते, ये नहीं होते। आइए सर भाई सिद्धार्थ रॉय के लिए बहुत सारी ताली होनी चाहिए, पानी पिलाए पानी पिलाए, नहीं ठीक है मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं सर? कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पास मोटर बाइक है वैसे। सर मैं आपको पूछ भी नहीं रहा, इसीलिए नहीं पूछ रहा कि क्या माहौल चल रहा है। अच्छा जी एक और गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, लेकिन अब देखना यह है कि उससे पहले थोड़ा सा माहौल गर्म करते हैं, आप और मैं पुशअप का मुकाबला करेंगे। नहीं एक साथ एक साथ एक साथ, अरे चले आप अपना टाइम लें, रिलैक्स करें। मैं यहाँ पे अब जिसको बुलाने के लिए जा रहा हूँ, हमारे ARY फैमिली की एक और मेंबर, पाकिस्तान की बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन एक्ट्रेस, बहुत ही कमाल की हो, तो वन एंड ओनली सारा बलोच। वसीम बादामी से भी हाथ मिला ले यार, हाथ मिला दूर दूर का। हाँ अच्छा नहीं, दूर दूर का फिर ठीक। अच्छा फिर इधर आ जाओ फिर अच्छे से दूर से। आप जी मामला कुछ ऐसा है कि सनम आज पूरी टीम को विश करने के लिए आई हैं, तो सनम क्या कहना चाहती हैं आप? कराची किंग्स की पूरी टीम आज यहाँ पर बैठी हुई है, प्लीज कुछ कहिए। पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, पता इसके अलावा मुझे, लेकिन ये पता कि आज मैं आपसे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों साथ खड़े होकर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। That's true. हम दोनों साथ खड़े होकर ज्यादा अच्छे लगते हैं, हमारा ऑन स्क्रीन कपल बहुत अच्छा है। चलो सनम घर भी जाना मुझे। आगे बढ़ते हैं, प्लेयर्स को क्या कहना चाहेंगी आप? के मुझे पता है कि इस दफा कराची ही जीतेगा, और जीत ओवरऑल किसी भी टीम की हो पाकिस्तान ही जीतेगा। किसी भी टीम की नहीं, हमें अपनी टीम की चाहिए। मैं यही कहूंगी कि कराची जीतेगा। अगला गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी मोटरबाइक है, इसमें कराची किंग की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर आज हमारे साथ खेलेगी। आज हम क्रिकेट की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में देखेंगे कि ये हमारे प्लेयर्स सारे
हॉकी कितनी अच्छी खेलना जानते हैं। जिसने गोल किया वो यहाँ से मोटरबाइक लेकर ही जाएगा। कम से कम 8 लड़के हम निकालेंगे, खुर्रम मंजूर भी आ सकते हैं यहाँ पर। रिजवान तुम एक बाइक जीत गया, मेरे ख्याल से बहुत हो गया, एक ही लेके जाते ज्यादा बेहतर है। अब देखना है कि क्या सिचुएशन होती है। शायद भाई एनमाद, हमें 7 लड़के चाहिए जो कि आपको लगता है हॉकी खेल सकते हैं अच्छे तरीके से। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक खुर्रम भाई को आ जाना चाहिए। खुर्रम भाई आइए, खुर्रम भाई आ जाए फटाफट से जल्दी। और कौन होगा? पकौड़े तलने के लिए कह रहे हैं, मतलब वो मैं पकौड़ों के लिए मैंने बंदा रखा, मैं बुलाता हूं। बहुत सारी तालियों में बुलाइए रॉकी बेलबोआ को भाई। पहली मोटरबाइक है टाइगर मॉस्के की और मैं बाइक आपको दिखाना चाहता हूं खुर्रम, ताकि आपको अच्छा लगे। बाइक निकालो भाई, टाइगर मौसी की बाइक। इस पे जब भी कोई घूमता है सारा मोहल्ला छेड़ता है पीछे से, ये देखिए। ठीक है सर जी, बारी सिर्फ एक, लेकिन उससे पहले 6 और लोग निकाले हैं। माँ देखे करके और निकालते जाएं ताकि कतार बन जाए और फिर मामला सेट हो जाए। हसन मोहसिन आ जाओ, आओ भाई बंगश आ जाओ, आओ भाई बंगश आ जाओ, उसामा मीर आ जाओ। बड़ी स्पिन कराते बेटा, आज देखते हैं क्या होती सिचुएशन। चले भाई एक ही बारी है सर, एक ही बारी में गोल करना है। शुरुआत करें, चले सर 1 2 3 स्टार्ट। नेक्स्ट आइए टाइगर मौसी की मोटरबाइक के लिए। आओ भाई लड़को खपा है मार मार। आज भाई टाइगर मौसी की मोटरबाइक देखे तुझे फटाफट से भाई साहब। आइए सर जी फटाफट से, बैठो बैठो सर, पादा भी आ जाए। चलो भाई अब लगा हट जाओ, अरे चलानी भी तो नहीं आती। आ जाओ अगली मोटरबाइक है सुपरस्टार की मोटरबाइक। यार तू बहुत लंबा है यार। अच्छा चलो भाई 1 2 3 4 क्या वहां पिच पे भी यही बोलेगा? चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट। वाह देखा, नेक्स्ट स्कोर है। आइए सर पंगज, चलो भैया चलो चलो। वाह, और अब भाई अब होगी कप्तान की बारी। बहुत देर से हम उससे सिर्फ पूछ रहे हैं। अहमद साहब के लिए बहुत सारी तालियां चाहिए। कसम है तुझे, इज्जत रख लेना। आओ भाई हॉकी तो दो, बगैर हॉकी के कैसे? हाँ ये भी है, मैं बंदा हटवा देता हूं, मैं सोच रहा हूँ। चले जी एक नहीं, तुम इसमें तो राइटी खेलो। देखो मैं खब्बा हूं लेकिन मैं राइटी में खेल सकता हूँ। आओ देखते हैं, ये देखो ये देखो मैं तो प्लेयर नहीं हूं। हाँ चलो फिर भी ठीक है, कोशिश तो मैं बल्ला दे दूं। नहीं ठीक, चले 1 2 और आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। हम जा रहे हैं भाई एक छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा मत। जीतो कराची के। ओके जी भाई, सबसे पहले हमारे उन स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो कराची किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं बहरिया टाउन, इसके अलावा प्लैटिनम हमारे स्पॉन्सर हैं नूरपुर, और इसके अलावा आर्केडियंस भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं हमारे। अब शुरुआत करने जा रहे हैं जनाब, हम खुल गई किस्मत खेलने के लिए। तो हमारे पास 2 टीम्स होंगी, हम 2 टीम्स निकालेंगे जो कि बादामी जो है वो अभी आपको बताएंगे क्या करना है। बताएं साहब, बताइए प्लीज। शायद भाई आपने 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, इमाद भाई आपने 4 लोग सेलेक्ट करने हैं। हर टीम में 5-5 लोग होंगे, तो एक में तो हो गए शहजाद भाई और एक हो गए फैसल भाई। ठीक है, ठीक है, फैसल भाई हो गए शहजाद शाहिद भाई की टीम में, शहजाद भाई इमाद भाई की टीम। 4-4 और लोग सेलेक्ट करने हैं आप लोगों ने, खुल गई किस्मत। रिजवान, ताबेश, उसामा तुम भी आओ बेटा, और आ जाए भाई आ जाए, रवि जल्दी आ जाए जी। चले आप एक टीम के साथ आप आएंगे, शायद भाई आ जाएं, और एक टीम के साथ खुर्रम भाई आ जाएं, शिनवारी, बाबर और चौथा।
बोलो चले जी, आप लोग अपनी प्लानिंग कर ले। बंगाश तुम आ जाओ, बंगाश सारी आ जाए, आप भी आ जाए। बनने जा रही हैं और हम अब लॉन्च करने जा रहे हैं इन सब की मौजूदगी में आज हमारा ऑफिशियल कराची किंग का वीडियो, दैट इज द सॉन्ग वी टॉकिंग अबाउट। बहुत सारी तालियों में शहजाद रॉय आपके सामने परफॉर्म करेंगे। आइए सर, आइए आइए, प्लीज आइए, माइक दे दे भाई, माइक दे दे फटाफट से। चले जी, 1 2 3 Here come the kings, Luke and Pacha. Karachi kings laga ke wings, sab ko leke ud jayenge. शहर बड़े दिल वालों का, सब आपस में जुड़ जाएंगे। हम जीते या हारे ना पड़ेंगे कम तुमसे, इस खेल के मैदान में है दम हमसे, हमसे दम हमसे। पब्लिक बोले जीत कर आउट, बूम बूम ला ला होप नॉट आउट। ना भरम दे पिच पे है हिम्मत तो ले बेटे, रन हमसे हमसे रन हमसे। मुझे आउट होने से नहीं, टुक टुक से डर लगता है। मुखालिफो रन तो भागो, इस पे भी क्या पेट्रोल लगता है। जीत की उड़ानों में हम मिलेंगे, गिरते सरों में हम ही उठेंगे। जीत की उड़ानों में हम मिलेंगे, गिरते सरों में हम ही उठेंगे। इस खेल में है ये रंग हमसे हमसे रंग हमसे, अपील को जो ना मानेगा धरना दे के मनवा लेंगे। भी करेगा ज्यादा शोर, उसको चुप हम करवा देंगे। हम जीते या हारे ना पड़ेंगे कम तुमसे, इस खेल के मैदान में है दम हमसे, हमसे दम हमसे। सर जी शुरुआत करते हैं, क्यों मोबाइल खुल गए किस्मत की। शहजाद भाई आप इस तरफ जाएंगे या इस तरफ, इस तरफ फैसल भाई हैं तो आप इस तरफ ही जाएं। और जनाब आज देखना यह है कि आप लोग कितनी सारी चीजें यहां से निकाल सकते हैं। शहजाद भाई आप लीड कर रहे हैं अपनी टीम को और इमाद आप लीड कर रहे हैं अपनी टीम को। चार चार बारियां आप लोगों के पास, सोच समझ के अपने डब्बों का इंतखाब करेंगे। जब मैं कहता हूं सोच लो तो इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली सर। तो टॉस करेंगे, किधर है भाई? सबसे पहले बताइएगा शहजाद भाई, ए या बी? माइक पे बी। बी अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ चला गया, क्या हुआ, फिर तुमने पैर मारा? बंगश तुम क्या कर रहे हो? चले भाई एक बार फिर, भाई ये कुछ देखेंगे, टीम चीटिंग कर रही है। रेफरी किधर है? मैच रेफरी राशिद भाई आप आएं जरा। आएं राशिद भाई, आप करेंगे काम, आप तो पुशअप के बाद बैठ ही गए हैं, मतलब कि बिल्कुल ही। चले भाई, नहीं नहीं हम चार साल से फेंक रहे हैं, ऐसे ही फेंक। बी हैं।
ये सही है भाई, ठीक है। ओके जी, पहली बारी है आप लोगों की, अब देखना ये है कि क्या आपने छोड़ दें, आप इसको लाइन मुझे दे दें। बताइए पहला डब्बा कौन सा खोले सर जी? बदामी आप खोलेंगे पहला जी, बगैर मशवरे के नंबर 10 खोल दें। मशवरा ही नहीं, मतलब मशवरा नहीं, मशवरे के बगैर मशवरे के नंबर 10 पे हो गई है बस। आइए भाई खोले, एक मिनट चले सोच ले, बगैर मशवरे के मैं भी कहता हूँ ये डिसीजन बगैर सोचे समझे। एक मिनट, जब मैं कहता हूँ सोच लो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? आगे सोच लेंगे भी, ये तो खोलो। वो लाला ही है जो सोच के लाला, तो यार हमारी सुननी नहीं। खोल भाई बदामी, खोलो खोलो भाई, देखे भाई ये देखे। और अपोलो की तरफ से इन्वर्टर यूपीएस, ओसामा को चाहिए भी था। ओसामा को तो भाई अपोलो का इन्वर्टर। ओके, याद रहे इसके अंदर क्यू मोबाइल की गाड़ी भी मौजूद है शहजाद भाई, और बेशुमार मोटरबाइक्स है। रवि, दिस बॉक्स इज वन ऑफ द बॉक्स हैज अ कार इन इट, and there are lots of bikes as well, so you need to decide which box Punjabi. to open. Usko Punjabi aati hai, wo Karachi ki hai. To main mainu te nahi aati hai Punjabi bhai. Wo lagta hai Karachi ka hi hai. Karachi ke ho? Thodi thodi aundi hai, par stick to English nahi. Sanu bhi thodi thodi aundi hai. Hun assi tonu Punjabi di maar marange. Jo bhi aundi. Stick to English nahi ta main fas jayenge. Main bhi dekha fasa diya tumne usko. Relax, chill karo, tension ki koi baat nahi. Haan bhai, Ahmad, pehli bari aapki. 9. Number 9. आओ भाई देखते हैं नंबर 9 में क्या है। एक दो और ये ले, गुलबहार की मोटरबाइक आपके लिए सर जी। आइए आइए आइए, मरहबा गुलबहार, आओ कौन बैठेगा, जिस जिसको देनी है उसको बिठाते जाओ, बेटा लिख ले बाद में ये बदल जाएंगे सारे। चलो भैया लगता तेरे पर लाइसेंस है? नहीं ऐसा लग नहीं रहा, तुझे रोक लेंगे रास्ते में भाई, हमारी जिम्मेदारी नहीं। फिर चले जी बारी नंबर 2, बताइए कौन सा? रवि, आई थिंक कुछ बी प्लेइंग T20, आई विल गो फॉर 20. 20? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स इन इट? कार। कार? रियली? यस। कार लाइसेंस आ गया मेरा यार, ये देख यार, प्लेयर पे शक कर रहे हैं हमारे, प्लेयर पे शक कर रहे हैं। ये 21 मार्च 1995 में पैदा हुआ था यार, हम बूढ़े हो गए यार, बाद में की साइड पे ना जाए। हाँ भाई ठीक है, रवि यू थिंक 20 इट इज राइट, लेट्स सी व्हाट्स इन 20। एक दो, रवि माय फ्रेंड मैं कहना सोच ले, फिर यही तुम भी बाज नहीं आओगे। हाँ ओके, एक दो और ये ले भाई। बारी नंबर 3 बॉयज, इनमें जो है ना जरा चाह ज्यादा है गाड़ी और बाइकें जीतने की। बारी नंबर 2 इमाद साहब, बताइए कौन सा डब्बा खोले? नंबर 6। नंबर 6 क्या होगा? नंबर 6 में शहजाद भाई क्या लगता है आपको? शहजाद भाई व्हाट डू यू थिंक? कह रहे दे धनादन, दे धनादन होगा 6 में, दे धनादन 6 में, दे धनादन है। आइए फिर सर देखते हैं, वेयर इज नंबर 6? यानी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देखते हैं। अच्छा वैसे क्या बे मंगेश, ये क्या हो रहा है ये? एक मिनट सलमान भाई से पूछते हैं। सलमान भाई, सलमान भाई क्या लगता है आपको नंबर 6 में क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? दे धनादन होगा। आ जाए फिर, आए आए आए, आप खुद ही देखें कि इस साल जो आपने टीम खरीदी है, डिसाइड की है, वो क्या करने जा रही है। एक दो और, यार क्या मतलब के? क्या है? मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? क्या होगा? क्या होगा? दे धनादन। आइए बॉयज बैठिए अपनी गाड़ी में, चल भाई पंकज चला, लाइसेंस दिखा दिए तो चला, घर बैठे सारे के सारे बैठे अपनी गाड़ी में, तो आपस में पार्टी भी कहते हैं, चलानी आती है ना। Oh!
तस्वीर लेंगे मोबाइल इंफिनिटी से, अच्छी सेल्फी आती है शायद भाई। ये कमाल बात है, गाड़ी क्या कहना चाहते हैं आप? ये वाली गाड़ी थी तो आपको क्या लगा? हमें तो चाहिए नहीं थी यार। वेरी सैड यार। यार देखे देखे तोहफे में आप नियत देखे ना आप। भाई सलमान भाई कह रहे हैं आपकी गाड़ी चाहिए। आपकी वाली जब दुबई में करेंगे ना जीतो पाकिस्तान, हाँ तब रखेंगे। चले डन हो गया भाई, दुबई में जब होगा तो फिर सलमान भाई की गाड़ी। सर क्यों मोबाइल की गाड़ी होगी, कुछ और स्पॉन्सर्स के नाम भी लेना यहाँ पर बड़ा जरूरी है। आपका काम है, आप तो बातें कर रहे हैं। तो जनाब हमने तमाम स्पॉन्सर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो टाइटेनियम स्पॉन्सर हैं बहरिया टाउन, जो कि पहले दिन से कराची किंग्स के साथ हैं, बहरिया टाउन का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लैटिनम स्पॉन्सर हैं नूरपुर, और इसके अलावा आर्केडियंस, अकील करीम डेडी साहब भी यहाँ मौजूद थे, और आर्केडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, पहले दिन से हमारे साथ हैं, कराची किंग्स के साथ हैं। ऑफिशियल सुपर मार्केट है कराची किंग्स की इम्तियाज, ऑफिशियल पेंट पार्टनर है ब्राइटो पेंट्स, और ऑफिशियल होम ग्राउंड पार्टनर है नया नाजमाबाद। तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम स्पॉन्सर्स के लिए बहुत सारी तालियां। वाह वाह भाई, बारी नंबर दो दो बारियां हो गई हैं। अब हम जाएंगे पब्लिक की तरफ, तो फिर कौन आएगा? शायद भाई अपनी पसंद से, फैसल भाई एक आप अपनी पसंद से, हिमाद एक आप अपनी पसंद से, शहजाद भाई एक आप अपनी पसंद से, अलग 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 फैल जाए, लड़को फैल जाओ मैदान में। हाँ भाई क्या हुआ, क्या फैसला हुआ भाई? आवाज जहां से आएगी उसी तरफ आए गए लोग। चार लोग चाहिए मुझे, चार टोटल, चार, दो इधर से दो इधर से। हो गया भाई, शायद भाई हो गया जी, जी उनको बुलाया, अंकल को बुलाया शायद भाई ने। हो गया जी, चार लोग, रवि साइड पे एथो आ जा। हाँ जी चार लोग आ गए, एथरों आ जा। हाँ ठीक है, अरे यार चार अलग अलग पंजाबी के लोग बता रहे हैं, कोई इधरों कोई ऐथे कोई इधर, कौन सी? आओ बेटा छोटी, कम छोटी, कम यहाँ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ओके जी, अब चार लोग हमने यहाँ पर बुला लिए हैं। मेरी बहन क्या नाम है आपका? अंबर। माइक पे बताइएगा। अंबर। अच्छा वो आप हैं, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए। अच्छा अच्छा, मेरी बहन बताइएगा कौन सा डब्बा खोले आपके लिए? 9 नंबर। नंबर 9 तो खुल गया बहन अभी। नंबर 7 में क्या होगा बादामी साहब जी? आसामी निकल रहा था मेरे मुंह से। सर नंबर 7 खोलने की कोशिश करें जरा, देखें नंबर से, या मुझे पकड़ा दें, टेंशन नहीं सर, ये लीजिए एक जी। अच्छा शायद भाई दो, हाँ और खोले खोले। अच्छा मैं कह सकता हूँ, सोच लो, आपकी मर्जी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो सोच लो। ओके डन। नंबर 11। नंबर 11 जी, वो रहा नंबर 11। हाँ ये आखिरी फैसला है आपका, चले जी। सोच रहे, मुझे क्या पता, ये नहीं, अब नहीं सोचना, नहीं सोचना, ओके। इतना सोचना भी अच्छी बात नहीं। चला जी, आप एक दो दिन तो करें ना, माहौल तो बनाया। हाँ ऐसे भाई सारे मिलके दो भाई तीन खोलो, और ओलिविया की मोटर बाइक आपके लिए, आइए फटाफट से, आइए बहन आइए, आपको धक्का सब मिलके लगाएंगे, आइए भाई मैं इधर आया लगाओ धक्का, ओलिविया ब्यूटीफुल की तरफ से, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेरी गुड बहन, कौन सी चक्की का आटा? ओके जी शुरुआत करते हैं, छोटे व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अरसलान। अरसलान बेटा कौन सा डब्बा खोले तुम्हारे लिए बताओ? 17। नंबर 17, और बताओ इन सब में से कौन तुम्हारे लिए डब्बा खोले? शायद अफरीदी, शायद अफरीदी, आठ डब्बे खोलते रहेंगे आप। नंबर 17 खोल रहे शायद भाई, एक दो और सुपरस्टार की मोटर बाइक आपके लिए, आइए आइए
शायद भाई के साथ बैठोगे, शायद में बैठे भाई पे, आ जाओ पापा जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी पड़ा पड़ते रास्ता हो कितना भी दुश्वार जम के चले ऊपर स्टार। आइए सर बैठिए बैठिए बेटा पापा के साथ बैठो, मैं बैठ भाई सर क्या नाम आपका? मोहम्मद खान। खान साहब क्या करते हैं आप? अपना बिजनेस है क्रॉकरी का। लग तो नहीं रहा है सर, चलो कहते हो तो मान लेते हैं। बताओ कौन सा डब्बा खोले दोस्त? नंबर 22। शहजाद भाई, शहजाद भाई आइएगा जरा, नंबर 22 देखते हैं सर क्या निकालते हैं आज आप। एक दो और ये क्या पहले चेक करके क्या हो रहा है ये ड्रामा? सोच लिया। थैंक यू शहजाद भाई। और अपोलो की तरफ से एलईडी टीवी एसी आपके लिए। थैंक यू जी अंकल, सलाम अलैकुम। क्या नाम है अंकल आपका? अफजाल। अफजाल साहब आपको शाहिद भाई ने बुलाया तो अब शाहिद भाई आपसे पूछेंगे। पूछे शाहिद भाई जी, कौन सा नंबर? शाहिद भाई 8 खोले, जो भी ठीक है कोई ऐसी बात नहीं। नंबर 8 जी, नंबर 8 शायद भाई बोल दें आप इनको, सोच लो 8 नंबर, 12 नंबर नहीं चले, अगर आप कह रहे हो तो 12 सही। मेरे पे नहीं डालना मेरे पे मुझे। हाँ भाई देखते हैं नंबर 12 में लाला के कहने पे 12 नंबर खोल। चलो भाई लाला जिम्मेदार है। दो यार कितनी चीटिंग कर रहे हैं लोग, हाथ हो गए। हाँ ये लो 20,000 रुपए कैश एच ब्यूटी पार्लर की तरफ से। वाह 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 भाई, कितने लोग तुम लोगों ने बुला लिए हैं, हर तरह का हर साइज में आया है मामला। बेटा कहाँ है? अयान। हाँ बेटा कौन सा डब्बा खोले? अबे वो तो सुन लिया। नंबर बताओ अयान। अयान नंबर नंबर 4 2 कौन सी? हाँ बताओ 4 4 4। नंबर 4 खोलूं जी? सोच लो 1 1 1 खोलूं? 1 1। ओके चलो आप 1 खोलते हैं। 1 2 और सुपरस्टार की मोटर बाइक वाली आया। क्या बात है, चला जा। क्या बात है भाई, चला भाई आओ भाई बैठो, आया चलो भाई लगाओ धक्का। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद कौन सा डब्बा खोलना है? बिस्मिल्लाह 13। 13 मतलब 13 सोचना है या खोल लूं? सर जिसमें बाइक हो। अच्छा सर जिसमें बाइक हो। जिसमें बाइक हो 13 नंबर है आपने कहा, जिसमें बाइक हो मैं खोल रहा हूं 13 नंबर। ये लीजिए हील्स की बाइक। खोलना ना पक्की बात है, चल खोल दे यार, खोल खोल। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, खोलना ना। चलो आप कह ही नहीं रही। रुक जा, चलो खोलो, रुक जा कंफ्यूज कर रहे हैं, सोच लो आप बता रहे हैं। मैंने क्या कहा आप बता दे, ये सब कुछ लाला क्यों बताएंगे? मैंने नहीं रखे अपने हाथ से, रवि से पूछे उनका ये निकला ना। रवि रवि से पूछे, रवि का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। हाँ नंबर थ्री कह रही है, खोलो नंबर 3। हाँ हाँ खोलो, 1 2 और क्राउड की वोट आएगा आपके लिए। आइए बैठ, किसके साथ
योर नेम? फातिमा। फातिमा बेटा कौन सा डब्बा खोलूं तुम्हारे लिए बताओ? दादी से पूछ ले। पूछो दादी से। दादी देखती है शो है? कहाँ है दादी? मैं भी देखती हूँ। तुम भी देखती हो? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए। कौन सा डब्बा खोले आंटी बताइए? नंबर बताऊं? नंबर हाँ बताए ना। कौन कौन सा है? कौन कौन से है? 5, 2, 7, 8, 4, 16, 15, 18, 21, 23। सात नंबर खोले भाई, नंबर सात। एक मिनट इमाद से खुलवाते हैं। इमाद आओ, आओ इमाद। इमाद हमारी टीम के कप्तान है आंटी। एक दो रुक जा, सोच लो। नंबर 25 खोलेंगे। आइए आए खोले इमाद भाई, खोले खोले खोले। एक दो और, क्राउड की मोटर आएगा आपके लिए। इमाद बैठे मां, तुम्हें भाई चलने नहीं आती? भाई ये देखें, बच्ची बना के लाए, बच्ची के लिए ताले होने चाहिए बहुत सारे। भाई ओ दीदी, आखिरी आखिरी बारी आप लोगों की। क्या गाना बनाया? तो बेटा शहजाद रॉय की रोजी पे क्या होगा? नहीं नहीं, उन्होंने बना लिया, अभी सुनते हैं। तुम बैठो वहां, बैठो आराम से, अभी सुनते हैं। आ जाए जी। हाँ हाँ, अरे सर आखिरी आखिरी बारी बताइए, कौन सा डब्बा खोले? शायद भाई आखिरी बारी आपकी। हाँ हाँ, सात तो सात नहीं खुला हुआ। नंबर 16 बादामी खोले, नंबर 16 बादामी खोले। रवि का मशवरा शामिल है इसमें? हाँ हाँ, चलो एक दो, हाँ खोलो खोलो। और पुरानी से दुबई का रिटर्न टिकट भाई, दुबई तो वैसे ही जा रहे हैं। इसमें तो जहाज बना हुआ है ना? इसमें जहाज नहीं, तो दुबई का रिटर्न टिकट है भाई। तो आपके हाथों से किसी को दिलवाते हैं ना? आपके हाथों से किसको दे? शायद भाई दुबई का रिटर्न टिकट किसको दे? अब ये किसी को बांट दे, किसी को भी दे, किसको दिल करे। भाई वाह, तालियां चाहिए बच्ची के लिए। आखिरी बार ये मात, गाड़ी निकाल के तुम लोग मगरूर कितने हो गए हो सारे। चलो बताओ कौन सा डब्बा खोले? टू नंबर 23। आइए देखते हैं नंबर 23 में क्या। चल भाई खोल, एक दो और खोलो। और टाइगर मॉस्की की मोटर बाइक भाई जान, किसको चाहिए? कौन लेके जाएगा? हाँ भाई और तेरा पेस ओके जी। और ब्रेक में जाने से पहले एक बार फिर हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हुए, तमाम स्पॉन्सर्स के नाम एक बार फिर, हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर है बहरिया टाउन जो कि पहले दिन से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। प्लैटिनम स्पॉन्सर कराची किंग्स के नूरपुर, आर्केडियंस ऑफिशियल सुपरमार्केट कराची किंग्स की इम्तियाज सुपरमार्केट, ऑफिशियल पेंट पार्टनर ब्राइटो पेंट्स और ऑफिशियल होम ग्राउंड पार्टनर कराची किंग्स के नया नाज़िम अब्बास। जीतो कराची के। वेलकम बैक, और अब हम खेलने जा रहे हैं एआरवाई रेजिग्नेशन की तरफ से 20 तोला सोने के लिए। सो लेट्स सी कि आज वो कौन से सात प्लेयर्स हैं जो कि हमारे साथ खेलेंगे। ये वो बोले सर, ये वो बोले जिसके अंदर वो सात नाम है। तो हम चाहेंगे कि सलमान भाई बताएंगे ना, सलमान भाई आप बताएंगे कि वो सात प्लेयर्स कौन से हैं। सलमान भाई खैर, एनीवेज खैर हो गई। ऑफ कोर्स शाहिद अफरीदी, हेलो, इमाद वसीम, रवि बोपारा, बाबर आजम, रिजवान शिनवारी और खुरम मंजूर। आ जाए भाई सारे के सारे। सलमान भाई ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है। अब जो है बादामी, अगला काम आप करेंगे, प्लीज जाइए। अब इनमें से कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खड़ा होगा? इन हाँ। सातों प्लेयर्स के नाम पर्चियों की सूरत में यहाँ हमारे पास हैं। अब जिस जिसका नाम आता जाएगा वो उस नंबर पे जाके खड़ा हो जाएगा। तो जानी भाई आप जरा प्लीज पर्ची निकालिएगा पहली, कि शाहिद खान आफरीदी में से किस नंबर पे खड़े होंगे। जी
जो नंबर निकल जाए उसमें शाहिद खान आफरीदी खड़े होंगे जी। नंबर सिक्स शाहिद भाई आप होंगे नंबर सिक्स पे खड़े हुए। ओके जी इमाद वसीम किस नंबर पे खड़े होंगे ये बताइएगा जानी भाई। ऑर्डर सेट करने लगे हम राइट। इमाद भाई आपकी पोजीशन है नंबर वन कैप्टन नंबर वन पे होगा जी। ठीक है तीसरी पर्ची निकालिएगा बाबर आजम के लिए। बाबर आजम आप होंगे किस नंबर पे नंबर सेवन लाला के साथ। ओके थैंक यू। चौथी पर्ची खुर्रम खुर्रम किस नंबर पे होंगे जी जी नंबर पांच पे होंगे खुर्रम। ओके खुर्रम भाई आइएगा। आखिरी तीन पर्चियां जारी भाई आपकी जगह से रऊ भाई आपने ये तीन नाम निकालने हैं आप बताइएगा कि रिजवान किस नंबर पर होंगे जी। रिजवान नंबर तीन पर होंगे रिजवान। ओके नंबर तीन पे आ जाए। ऑलराइट उस्मान भाई किस नंबर पे होंगे रऊ भाई बताइएगा। उस्मान भाई चार नंबर पर होंगे उस्मान भाई और रवि बुपारा का कौन सा नंबर रह गया नंबर टू। ओके ग्रेट ठीक है नंबर दो नंबर रवि नंबर दो ठीक दो नंबर। ओके जी शुरुआत करते हैं। अब आप में से कोई एक खुश नसीब होगा जो कि तू ना बाइक छोड़ रहा है ना गाड़ी ना आइसक्रीम दिखाए एक आदमी लगा हुआ है ना मुस्तकिल। पंकज भाई बेहतरीन चल रहे हैं आप जबरदस्त। चले जी शुरुआत करते हैं। याद रहे कि आखिरी पर्ची जो बचेगी वो ही हमारे साथ खेलेगी तो ये काम अब करवा लेते हैं हम राशिद लतीफ साहब से। राशिद भाई प्लीज आइएगा आ जाए फटाफट से। राशिद भाई एक एक करके आप ये पर्ची खोल के दिखाएंगे और वो पर्ची हमारे साथ नहीं खेलेगी जो आखिरी बचेगी वो ही हमारे साथ खेलेंगे। चले जी निकाले एक पर्ची ये वो पर्ची है जो हमारे साथ नहीं खेलने जाएंगे और ये है नंबर फोर पे आप नहीं खेलेंगे। उस्मान रिलैक्स हो जाए चिल हो जाए खड़े रहो। अगली पर्ची किसको नंबर दो पे रवि भोपाल यू नॉट प्लेइंग विद अस एनीमोर रिलैक्स। हाँ जी कोच ने मना कर दिया कि आप छुपा छुपा के क्यों दिखा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आप ये क्या नहीं करनी क्या है। नंबर एक पे इमाद वसीम यू आर आउट और उसके बाद मुझे धांधली का शक पड़ गया। हाँ मुझे भी पड़ गया है ड्रामे हो रहे हैं यहाँ। नंबर पांच पे खुर्रम मंसूर आपको भी निकाल दिया इन्होंने बाहर और खुर्रम पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। और नंबर तीन पे रिजवान आपको भी निकाल दिया है। मैं समझ गया हूँ आपके ड्रामे आप बैठ जाए। अब ये दो पर्चियां रह गई है कौन कौन रह गया इमाद और शाहिद भाई नहीं। अब हम जाएंगे इकबाल भाई कहाँ इकबाल अंकल कहाँ बाबर और शाहिद भाई रह गए वो चले गए सलमान भाई चले सलमान भाई। अब इनमें से कोई एक पर्ची आप बताएं ये या ये कौन सी खेलेंगे ये वाली खुद ही खोलें और दिखा दें। ये वो पर्ची है जो हमारे साथ खेलने जा रही है और ये पर्ची है नंबर सात पे इमाद वसीम आप खेलेंगे अपना बाबर आजम आप खेलेंगे हमारे साथ आइए आजम सर जी। अब देखना ये है कि क्या होने जा रहा है। याद रहे आज जिसके पास जो बॉक्स है उसमें जो है वो उसी का है तो ये एयरवे रेजिडेंशियल की तरफ से आप सबके लिए तोहफे हैं। इनमें से किसी के पास 20 तोला भी हो सकता है किसी के पास 10 तोला भी हो सकता है किसी के पास 7 तोला भी हो सकता है किसी के पास 5 तोला भी हो सकता है किसी के पास 3 तोला भी हो सकता है 1 तोला और 1 ग्राम भी हो सकता है। वॉट एवर इज इन योर बॉक्स दैट्स योर्स। ओके गॉट इट स्टॉप विंकिंग एट मी दिस इज अ फैमिली शो। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। सर जी बाबर भाई पहले भी आप इन नशे व फराज से गुजर चुके हैं सही बोला वसीम मैंने बिल्कुल सही बोला वेरी गुड। तो सर शुरुआत कर लेते हैं आज बादामी भी आपकी मदद करेंगे और मेरा रिकॉर्ड बता दें इनको और इनका रिकॉर्ड इतना बुरा है कि आप सोच सकते हैं मैं मजा इनको वाकई दूरी रखे ये बहुत ही मामला खराब कर देते हैं। शुरुआत करते हैं पता तो है तुम्हें गेम क्या है फिर भी समझा देता हूं। 6 डब्बे तुम्हारे पास से सामने पड़े हुए एक एक करके खुलवाने वो डब्बे खुलवाने जिनके अंदर कम सोना है जैसे कि 1 ग्राम 1 तोला 3 तोला 5 तोला 7 तोला ताकि आखिर में क्या बचे हमारे पास 20 तोला और 10 तोला। किसी वन पे डब्बा तब्दील कर सकते हो अगर ये चाहे तो आप में से किसी का भी बॉक्स ये ले सकता है और वो उसके पास चला जाएगा। ठीक है जी शुरुआत करते हैं। बताइए सर क्या है आपके डब्बे में यार वो इशारे कर रहे हैं इमाद वसीम बता रहे हैं मेरे डब्बे में क्या है। तुम लोगों ने डब्बे खोले तो नहीं है पक्की बात है
तेरी शक्ल से लग क्यों नहीं रहा मुझे ऐसा रिजवान ऐसे नहीं ना किसी चलो वेरी गुड सर जी जी बताइए क्या है आपके डब्बे में पता नहीं अरे वहां से देख के बताओ ना 20 तोला 7 तोला 5 तोला 20 तोला 20 तोला है अच्छा नहीं नहीं है तो फिर कहाँ है 20 तोला बताओ उनमें से कहीं से वो कहाँ उनमें से कहाँ पता नहीं 6 में शायद भाई के पास पुरम के पास उस्मान के पास रिजवान के पास रवि के पास या फिर कप्तान के पास कप्तान के पास कप्तान के पास 20 तोला ऐसा लग रहा है आपको तो एक्सचेंज करा लो अभी ठहर जाए तो बताओ पहला डब्बा कौन सा खोले बताओ नंबर 5 पुरम पुरम माइक उठाइए पुरम क्या है आपके डब्बे में 5 तोला 5 तोला है भाई कह रहे हैं 5 तोला है 5 तोले का मतलब होता है तकरीबन 2.5 लाख रुपए अगर 5 है इसके अंदर खुरम तो वो आपका ही है अब देखना है खोल दो पक्की बात है खोल दो शुरुआत है चले सलमान भाई क्या लगता है आपको क्या है इस डब्बे में माइक पे 1 ग्राम है 1 ग्राम है वो कह रहे हैं 1 ग्राम है तो बहुत अच्छी बात है सही कह रहे हैं खोले फिर पक्की बात है चलो फिर आओ 1 2 सारे मिलके बोलो ओरम भाई 10 तोला आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर की तरफ से बगैर खेले 10 तोला आया हूं कुछ तो लेके जाऊंगा वो वाली बात है वेरी वेल डन सर 10 तोला तुम्हारी जिंदगी से चला गया क्योंकि मुझसे मशवरा नहीं लिया था उन्होंने सलमान भाई ने कहा था कि 1 ग्राम वहां मुझे लगता है पता नहीं क्यों 1 ग्राम तुम्हारे पास ही ना निकले हो भी सकता है यू नेवर नो जी बताएं आप सर आप खुलवाएं नंबर 2 यहाँ पे अगर किसी का रिकॉर्ड अच्छा है ना सही बता तो वो शाहिद खान अफरीदी साहब का चलें आप उनकी मान लें देख लें फिर जी शाहिद भाई शाहिद भाई आपके डब्बे में क्या है क्या लगता है आपको माइक उठाएं जरा मुझे लग रहा है 3 तोला 3 तोला आपके पास है और इस आदमी के पास क्या ये जो आदमी इसके पास होना चाहिए मेरे ख्याल में कोई 7 तोला 7 तोला होगा मतलब 20 वहीं कहीं है इधर नहीं है ऐसा ही है तो वो कह रहे 3 तोला उनके डब्बे में खुलवाना चाहोगे उनका डब्बा मेरे ख्याल से तो ना खुलवाए भाई नंबर 2 खुलवाना चाहिए नंबर 2 रवि बोपारा रवि बोपारा का वो गुब्बारा टाइप निकला था इससे पहले तकरीबन रवि व्हाट डू यू थिंक व्हाट डू यू हैव इन योर बॉक्स 20 तोला 7 तोला 3 तोला 1 ग्राम 5 तोला और 1 ग्राम रियली इट्स वेरी लाइट दैट्स अ गुड यू गो दे आर ऑल अलाइक दे आर ऑल सिमिलर द वेट हैज नथिंग टू डू विद इट सो व्हाट डू यू थिंक नाउ 1 ग्राम रियली कह रहा है 1 ग्राम है खोले पक्की बात है सो इफ इट हैज 1 ग्राम इट बिलोंग्स टू यू नाउ ओके एंड इफ इट हैज 20 तोलास दैट्स आल्सो योर्स ओके दैट्स अ स्माइल लवली 1 2 सारे में पक्का ना हां 100% फैसल भाई क्या है इस डब्बे में रवि के डब्बे में क्या होगा पीछे से आवाज आ रही है 20 तोला पीछे से कौन बोला 20 तोला जुनैद बंगाली चले भाई 1 2 सारे मिलके बोलो कांग्रेचुलेशन 5 तोला इज योर्स गॉड ब्लेस यू नॉट बैड एट ऑल सर कम ऑन नॉट बैड एट ऑल 5 तोला अब हम निकलवाएंगे 3 तोला ये प्लान है 5-3 कम पक्की बात है आखिर में 20 तोला रह जाएगा इमाद 20 तोला का इमाद ये वसीम रखवाएगा मैं बता रहा हूँ 20 तोला तुम्हारे पास पहले कभी गड़वाया किसी को मैंने हमेशा ही गड़वाया वसीम लेना ये वसीम गड़वा देगा बाबर को भाई रुक जाओ ना फैसल से भी पूछते फैसल को माइक दे फटाफट से ना फैसल फैसल क्या लगता है फैसल क्या लगता है किधर है 20 तोला मुझे तो शाहिद भाई के पास लग रहा है शायद भाई इनको लगता है जिनको लगता है शाहिद खान अफरीदी के पास 20 तोला है तालियां बजा दो जरा कंफ्यूजन है ऐसा नहीं राशिद भाई 20 तोला कहां है फैसल राशिद भाई को देना भाई जी शिनवारी के पास क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे पास 20 तोला है मुझे लगता है 1 ग्राम है इधर भाई इनको लगता है इनके पास 1 ग्राम है क्या करें कौन सा डब्बा खोले अगला वसीम आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है मेरी एक्सपर्टीज कहती है कि 4 नंबर खोलना चाहिए और इनकी एक्सपर्टीज बेटा इतनी बर्बाद है बच्चे बच्चे को पता पाकिस्तान के 50 तोला नहीं जित पाया था एक दफा यार कब तक रोएगा वंस अपॉन अ टाइम चले का एक्सपीरियंस है अगला डब्बा बताएं नंबर 3 क्या होगा नंबर 3 में 3 तोला 3 तोला ऐसा लगता है आपको
सर रिजवान साहब क्या तो, है लग तो भारी रहा अच्छा है सा सबका वजन एक ही है उसमें सिर्फ लिखा हुआ है अंदाजा लगाओ क्या लगता है बीस तोला अगर इसके पास 20 तोला है तो वो तुम्हें तब्दील करवा लेना चाहिए सनम बलोच से पूछते हैं लड़कियों का बड़ा इंस्टिंक्ट होता है सनम बलोच को माइक दे भाई फटाफट से किधर है माइक वेरी गुड सनम बलोच क्या है ये तो कहूंगी कि बादामी की बात पे ना जाए बिल्कुल भी है ना, है, ना जाए अभी पता चल जाएगा तो इनकी बात पे जाएं बताएं आप बताएं अपनी बात 20 तोला मुझे लगता है कि शायद आफरीदी के पास है ओके तो नंबर 3 में क्या है 3 में मुझे लगता है कि 3 तोला ही होगा 3 तोला ही होगा नॉट बैड जागते नहीं रहना खुद पे रहना बाबर मेरी बात पे मत जाना अपनी अकल लड़ाना फिर मुझे ना बता देना देखा भाई बताओ क्या करें सोच ले बोबे सोच ले यहां से बताओ कौन थोड़ा पकोले अबर 3 तोला है खुलवा दो ये बॉक्स नंबर 3 ना या खुलवा दें इनके कहने पे नंबर 3 लड़की की सुन ली हम जब से कह रहे थे तो हमारी नहीं सुन रहा आपके लिए सुनी हैं खोले खोले आपने तो बोला नहीं चलो अच्छा ये भी है नंबर 3 ये सनम के कहने पे डब्बा खुल रहा है खोलने जा रहे हैं तुमने कहा था इसके अंदर 20 तोला है ऐसे ही कहा था तुमने सनम की सुनी आपने मेरी नहीं सुनी आइए भाई देखते हैं क्या है 1 खोले पक्का सनम क्या है इस डब्बे में आवाम भी यही बोल रही है बाबर मुझे बताने आवाम ने भी यही बोला है मुझे कुछ इनको लगता है इसके अंदर 20 तोला है तालियां बजाओ खैर बोबे सोच ले तुम चेंज कर सकते हो डब्बा किसी भी पॉइंट पे तुम्हारी मर्जी सलमान भाई क्या करना चाहिए इसको 1 ग्राम ना हो इसमें क्या है नंबर 3 में मेरे ख्याल से इसको साइड डब्बे खुलवा लेने चाहिए अरे भाई बाकियों से भी पूछ लेते हैं शायद भाई आपके पास क्या था 7 तोला आपके तीन तोला आपके पास है 3 तोला पाए खुरम आपका तो निकल गया शनवारी क्या है तुम्हारे पास 1 ग्राम रिजवान तुम्हें लगता है तुम्हारे पास है 20 तोला बिल्कुल ऐसा ही है इमाद कप्तान क्या है तुम्हारे पास 20 इधर भी 20 इधर भी कंफ्यूजन अब इमाद और रिजवान की जगह वो कह रहे हैं इधर भी 20 तो फिर तो आफरीदी भाई सेफ हुए ना वो तो बिल्कुल सेफ है वो कह रहे कम है उनके पास नंबर 6 शायद भाई अगर इसके अंदर 3 तोला हुआ तो वो 3 तोला आपका और अगर 20 हुआ तो भी आपका 1 अब आपका दिल किया ना यहां 20 हो 20 है तो फिर सारे मिलके बोलो एक तोला और सुपरस्टार की मोटर बाइक मिली आपको सर जी दोनों आप रख के 20 तोला दे कह रहे दोनों आप रखे मुझे 20 तोला दे दे खैर हो गई आप अगर चाहें तो अपनी बाइक यहीं कहीं बांट सकते हैं किसी को भी आपका दिल करे नहीं ना आए फिर नजर आ जाए ओए होए क्या बात है किसको देंगे भाई डिसाइड करें कोई भी एक एनीवन पिक वन आवाज जहां से आएगी उसी तरफ आएगा मरवा दिया आंटी आवाज है बादामी भी चीख रहा है आंटी को देखा आइए आंटी बड़े बच्चे सुपरस्टार की बड़वाई आपको देखे आइए आइए भाई लेके आइए आंटी किसके साथ आए किसके साथ आए दामाद दामाद आ जाओ भाई दामाद इन्होंने लिया थी बाइक आपको सुपरस्टार जल्दी से फटाफट आ जाओ भाई बहुत अच्छा फैसला था शायद भाई आप आ जाए पीछे ये 1 तोला सोना किसी को दिया जा सकता है आपकी मर्जी बिल्कुल दे 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 क्या बात किसको देंगे आप बैठ जाओ मर्द के लिए हराम है बैठो आप बैठ जाओ मर्द के लिए हराम है सोना
इससे किसी को दे देगा। आंटी आ जाए, आंटी वो कौन सी आंटी? ये वाली आंटी है सफेद। आप आंटी हो, आप बैठो ना, आप आ जाओ। ये वाली आप आ जाए, आंटी आप आ जाइए, दुपट्टे वाली आंटी, दुपट्टे वाली आंटी, दुपट्टे वाली आई आंटी, अपने हाथ से दे दे, आप दे देना। ओके जी, शुरुआत कर लेते हैं भाईजान। एक तोला निकल गया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें निकालना है एक ग्राम और तीन तोला, तो फिर जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर सात तोला और बीस तोले रह जाएंगे हमारे पास। क्या लगता है तेरे पास क्या है? चार नंबर मैं तो कह रहा हूँ, बाकी क्या है सर? हमने तीन कहा था वैसे, आप चाहे तो बताओ क्या क्या है इसमें। बीस तोला इधर है, वेरी गुड, अच्छी बात है, खेलो फिर। हमने कब मना किया? खुलवाओ अगला डब्बा, कौन सा खोले? वो खुरम मंजू कह रहे नहीं उधर नहीं है। देखो अमीर आदमी, उसका दस तोला निकला है, उसको आइडिया है सोने की वैल्यू क्या होती है। बाकी तुम क्यों पूछ रहे थे? वो तोले इधर होंगे, ग्राम उधर है, ग्राम उधर है भाई, बहुत बड़ी बात। कप्तान ने बोल दिया, इधर चेंज करवा दे। ये लोग मेरी तरफ कभी भी बड़ा माउंट नहीं रखते, इधर नहीं भाई। तीन नंबर रिजवान बोल रहे, चेंज रिजवान से नहीं तो इमाद से। आओ भाई, हाँ भाई, कप्तान से भाईजान ने तब्दीली कर दी। आइए देखते हैं कि क्या मामलात हुए। रख दो भाई यहां पर। अब देखते हैं कि जो आपने अपने पास से खोया वो क्या था, और इमाद जो इसके अंदर है वो आपको ही मिलेगा। तो फिर एक दो सारे मिलकर बोलो। कुर्बानी दी कप्तान ने, वाह वाह सर। एक ग्राम और टाइगर मौसी की मोटरबाइक जीत कर गए, और मैं चाहता हूँ टाइगर मौसी की मोटरबाइक पर आप बैठे, क्योंकि आप इतने प्यारे लगेंगे ना उसमें। किस आए पे देते हैं ना, आए आ जाए, आओ भाई आओ, आओ आओ बाहर आ जाओ। अपनी तरफ से पहले डिसाइड तो करो किसको दे, खुद ही चुनेंगे आप जिसको आपका दिल करे। लड़का कराची किंग्स की टी शर्ट, ग्लासेस वाला, मोटा वाला, दुबला वाला, दुबला वाला, दुबले वाले, आ जाओ भाई फटाफट से, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ भाई। आ जाओ भाई जल्दी, आ जाओ फटाफट से, बैठो बेटा, चलो बात धक्का लगाएंगे बेटा, आओ धक्का लगाएंगे। चलो भाई टाइगर बॉस की जिसका बाहर ले जाए खाली। अच्छा आप इमाद उस तरफ आ गया, ओके इमाद चले जाओ वहीं पे। अब रह गए डब्बा नंबर तीन और डब्बा नंबर चार। अब देखना है कि क्या होने जा रहा है। जरा नंबर चार को क्या करूं, नंबर चार खोलो, आइए देखते हैं। उस्मान तुमने क्या कहा था इसके अंदर? एक ग्राम कहा था, लेकिन अभी वजनी हो गया, अब ये वजनी हो गया। आओ देखते हैं फिर क्या है इसके अंदर। जो भी इसमें है वो तुम्हारा, ये वजनी हुआ तो भी तुम्हारा, हल्का हुआ तो भी तुम्हारा। आइए एक दो सारे मिलकर बोलो। भाई तीन तोला और शरबत एक बाहर की मोटरबाइक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मामला तो बड़े गंभीर हो गए भाई। चलिए प्लानिंग करो, करो प्लानिंग, वो बे प्लानिंग छोड़ दे जल्दी। अब या तुम आज यहां से लेकर जाओगे सात तोला, या तुम यहां से लेकर जाओगे बीस तोला। बॉब चेंज करेंगे, 20 इधर ही है, चेंज ही करना है। ओके 20 इधर ही है, वो भी आ रहा है इधर ही, इधर जोड़ आ रहा है 20। आओ भाई देखते हैं, मैंने पहले भी कहा था 20 इधर ही है, वापस ले रहा है, वापस ले रहा है। नहीं चेंज कर रहा हूँ, चेंज करना है, चेंज ना। तो इसमें क्या था? मैं तो इसमें 20 है, तो सही कर रहा है ना फिर तो। अगर 20 है आधा दे दूंगा तो फिर तो आप, अच्छा आधा दे दोगे उसको, पक्की बात है, रख ले सर इसको यहाँ पे। अब जनाब हाईलाइट ये है कि बीच में पड़ा हुआ है डील बॉक्स, उसमें 20 तोला भी हो सकता है, उसमें गाड़ी भी हो सकती है, उसमें सोना मजीद और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर 20 तोला निकल आता है आपका,
तो आप डील बॉक्स लेंगे या फिर अपना डब्बा ही लेंगे जिसमें 20 तोला होगा? अभी बताना है। हाँ बताइए। डील बॉक्स। डील बॉक्स है ये? अगर 20 तोला निकले तो इसका मतलब है जो आपके डब्बे में होगा वो आपको नहीं चाहिए होगा, ऐसा ही है? अगर उसके अंदर 20 तोला हुआ तो वो 20 तोला आपका नहीं होगा, है ना? ऐसा ही है ना? चलो आओ पहले कार्ड गिन लेते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग बन जाए ऐसा। चलो भाई सारे मिलके कार्ड गिनेंगे। चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। चौदह चौदह कार्ड है भाई। डील बॉक्स बॉब कॉल दे वो क्या करे? डील बॉक्स छोड़ दे। डील बॉक्स छोड़ दे उसमें कॉल। डील बॉक्स छोड़ दो। डील बॉक्स। डील बॉक्स ओके। तो अब अगर आपका 20 तोला निकला तो आप डील बॉक्स ही लेंगे और 20 तोला नहीं लेंगे। ओके तो भाई शुरू करते हैं। एक दो और मंगाओ भाई हेलमेट, बाउंसर पड़ेगा बेटा अभी। आओ देखते हैं अगले कार्ड में क्या है। 13 कार्ड रह गए। आपने फैसला किया है कि अगर 20 तोला निकला तो आप डील बॉक्स लेंगे, 20 तोला नहीं लेंगे। ओके दो और जैकपॉट की तरफ से स्पिनर ड्रायर जूसर ब्लेंडर ग्राइंडर फैन हीटर टर्बो ब्लेंडर और आयरन। बाबर तेरी शादी हुई है? शादी हुई तेरी? नहीं। तो बस कुछ चीजें आ रही है देख। फहद कुछ दिन पहले कुकिंग की थी मेरे शो में तो सिखा दिया हमने। ये तुम लोग मॉर्निंग शो में जाके कुकिंग कर रहे हो? करवाई जा रही थी। डांस भी किया। किस काम पे लगाया हुआ तुम लोग कुकिंग कर रहे हो? सलमान भाई की वजह से सारा। सलमान भाई आपसे पूछ रहे थे और इमाद ने भी कुकिंग की थी। अच्छा मैंने सुना डांस भी किया था। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा डांस करते नहीं कराऊंगा टेंशन नहीं। अगला कार्ड एक दो और भाई हील्स की मोटरबाइक भी है ट्रेंडी एंड यूनिक हील्स। अगला कार्ड एक दो और क्रिकेट ग्लव्स भाई नॉट बैड। यहीं से किट पूरी करके जाएंगे टेंशन की कोई बात नहीं। अगला कार्ड एक दो ओए होए इटालिया ऑलिव ऑयल की मोटरबाइक भी भाई दो दो मोटरबाइक आ गई। देखो ऐसा तुम्हें पक्का पता नहीं है कि तुम्हारे पास 20 तोला है या नहीं है। ये सारी चीजें तुम्हें उसी सूरत में मिलेंगी जब इसमें 20 तोला होगा। मैं तुम्हें ऑफर देता हूं ये सारी चीजें लो घर जाओ ले 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 नहीं नहीं चलो इसमें 5 तोला डालता हूं ऊपर 5 तोला ये चीजें घर जाओ ले 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 ले। अबे पिछली बार तो 3 तोले पे मान गया था तू। वो कोई और खेल था ना। अच्छा अपने लिए नहीं खेल रहा ना उस टाइम। सही वेरी गुड। अगला कार्ड मैंने इनको ऑफर दी 5 तोला ये सारी चीजें इन्होंने कहा नो। आइए देखते हैं क्या है। और टाइगर बॉस की मोटर बाइक। अच्छा ये ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा जब 20 तोला निकलेगा तब मिलेंगी ये सारी चीजें ठीक है ना। चलो अगला कार्ड एक दो चल सुन तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए 10 तोला ये सारी चीजें पैकअप कर ले 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 शायद भाई सेकंड ऑफर शायद भाई 10 तोला ये सारी चीजें क्या मेरे ख्याल में तो लेनी चाहिए आपको जो लेनी चाहिए ना बिल्कुल। भाई आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से अच्छी डील है 10 तोला ये सारी चीजें टेंशन की कोई बात नहीं 10 तोला इमाद 10 तोला मोटरसाइकिल सारा सामान ले लो प्रोग्राम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ भाई डन डन नहीं नहीं अरे देखा देख रहे हैं आप देख ले सर भी आपको मना लाला, किया? लाला की बात नहीं मान रहा है यार ठीक क्या भाई ठीक है या नहीं ठीक है? नहीं। अच्छा चलो भाई नहीं तो नहीं हमने 10 तोले की ऑफर कर दी। ओके चलो
अगला कार्ड एक दो और क्रिकेट की बॉल भी निकला है भाई। वसीम तुम तो यहीं से बैटिंग में जाओगे मुझे लगता है। चलो भाई अगला कार्ड एक दो और एनिक्स की तरफ से वॉशिंग मशीन क्या करेगा वॉशिंग मशीन। चलो एक बार फिर शायद भाई को याद दिलाता हूं कि तुमने क्या ऑफर ठुकराई थी। मैं तुम्हें एक बार फिर पूछता हूं लो दस तोला बल्कि चलो शायद भाई आप आए 12 तोला ये सारी चीजें पैकअप हो जाना चाहिए। ले 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 शायद भाई तो बहुत अच्छी ऑफर है 12 तोला इज लॉट ऑफ मनी। फैसल भाई खुश है फैसल भाई कह रहे हैं कि ले लो बिल्कुल लेना चाहिए। सलमान भाई आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए आप ही की चीजें जा रही है बता दें नहीं दे दे ओके डन चलो भाई नहीं 12 तोला भी नहीं चाहिए 12 तोला इज लॉट ऑफ मनी नहीं तो ये इसकी बात भी सुन रहे हो। हाँ हाँ चलो भाई मेरा अल्लाह ही पहले वालों ने नहीं सुनी मेरी बात। चलो भाई अल्लाह ही वाले जो भी हुआ उनके साथ आओ फिर एक दो और वेस्ट पॉइंट से ओवन टोस्टर ब्लेंडर सैंडविच मेकर इंसेक्ट किलर मच्छर मार रैकेट एक दो और अब गौर से सुनना मेरी ऑफर सिर्फ ये सारी चीजें लो और घर जाओ। ले 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 नहीं अब कोई 12 तोला 10 तोला वो सिर्फ उस आदमी की वजह से मैं कर रहा था सही है ना शायद भाई ठीक किया ना इन्होंने देना काफी लोगों को लग रहा है जो 20 तोले बैठ गए हैं ना ये दोनों आओ बेटा खेले फिर अगला कार्ड नहीं चाहिए ये चीजें नहीं तो फिर आलू के समोसे आज कीमे के समोसे भी निकलेंगे आलू के समोसे भी निकलेंगे ग्लव्स उतारना पड़ेंगे मुझे और कार्ड रह गए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चार। चलो अब देख लेते तुम्हारे डब्बे में क्या था इतने जो भरम चल रहे हैं पता तो चले हमारी तो डील लॉक हो गई है कि अगर तुम लोगों के पास 20 तोला हुआ तो तुम लोग 20 तोला नहीं लोगे और तुम लोग डील बॉक्स लोगे ऐसा ही है ना अभी तक इसी बात पे कायम होना तुम लोग भाई क्या है इस डब्बे में लोगो जिनको लगता है 20 तोला है तालियां बजाओ। चलो फिर आओ देखते हैं एक दो सारे मिलके बोलो सर आप अपना डब्बा खोले आप अपना डब्बा खोले वो मेरे वाला है। अच्छा अब जो वहां पड़ा हुआ है उसमें है 7 तोला और वो 7 तोला आपका होगा इस बार बहुत बहुत मुबारक हो आपको 20 तोला निकल आया सर अब डिसाइड करो 20 तोला चाहिए या पूरा डील बॉक्स चाहिए क्या करें। अरे 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 पागलपन हो गया है भाई जान। सलमान भाई कराची किंग्स के हमारे सारे प्लेयर्स का आपने देखा है कितने एनर्जेटिक हैं बाइकों के पीछे लेकिन टीम बन के खेल रहे हैं देखिए ये अच्छी बात है और अगर बादामी को ले गए ना आप तो फिर याद ही रखिएगा कि क्या हो रहा है। 16वां खिलाड़ी अगर आपको चाहिए बादामी दोनों को ले जाएगा। हाँ भाई इसकी वजाहत ना कीजिएगा प्लीज इस बात बताएं क्या चाहे नहीं खेले यार क्या अभी बहुत बड़ा नाम निकलेगा आवाम से पूछे क्या कहते हो आवाम डील लेनी चाहिए इनको मतलब 20 तोला नहीं चाहिए आवाम जिनको लगता है 20 तोला नहीं लेना चाहिए तालियां बजाओ। ओके तो फिर 20 तोला नहीं चाहिए ना हाँ नहीं चाहिए नहीं चाहिए बंगश मतलब सब ले जाएगा क्या। चले भाई आखिरी चार कार्ड एक दो वसीम भाई की फेवरेट चीजें निकल ली है देखो ये सारी चीजें 20 तोले के बराबर की नहीं है पीछे रह गया हमारे पास 3 कार्ड
फ्रेंच फ्राइज आ गए हैं, अब बताओ अभी भी डील ही चाहिए या ऑफर दूं कोई? कप्तान बताओ ना। वो कहना है डील। डील पक्की बात, ऑफर भी नहीं दूं, कुछ नहीं चाहिए। ओके डन सर, दलेर कप्तान, ये अच्छी बात, वेरी गुड। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक दो और अपोलो की तरफ से एच डी एलईडी टीवी। कार्ड रह गए मेरे पास बाकी दो, आखिरी बार एक बात पूछूंगा इमाद और बाबर आपसे, फुल एंड फाइनल ऑफर, 10 तोला ये सारी चीजें, घर जाओ। ले 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 ले। क्या लगता है तुम्हें इमाद क्या है इसके? ऑफर बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसके अंदर है वो इससे भी अच्छा है, इसलिए हमें इसके अंदर कार्ड के अंदर ठुकरा देंगे हमारे ऑफर। ठुकरा रहे हो तुम? जी मगरूर हो गए हो जी। चलो ऐसा ही सही, आओ फिर देखते हैं। वसीम रखवाएगा। एक दो 12 तोले ये सारी चीजें। ले 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 ले। एक दो और लाओ भाई, रत्वन के सामने 10 तोला लेके आओ, 10 तोला फटाफट से लेके आओ 10 तोला। आखिरी कार्ड, अब बताइए, आखिरी कार्ड खोलने जा रहा हूं। एक कार्ड पक्का ना, कार्ड दो, सारे मिलकर बोलो क्यों मोबाइल की गाड़ी सत्य। 10 तोला सोना, क्यों मोबाइल की गाड़ी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी तालियां चाहिए। और मैं चाहता हूं सलमान भाई स्टेज पे और अपनी टीम से कुछ कहना चाहते हैं, सर आइए प्लीज, बहुत सारी तालियां सलमान भाई के लिए, आइए सर, और पूरी टीम प्लीज, पूरी टीम भी आ जाए, शाहिद भाई प्लीज आइए, फैसल भाई प्लीज, एवरीबॉडी सर आइए प्लीज, आप महबूब आ जाए प्लीज। ये नहीं चल रहा, मैं चेंज कराता हूँ, टेंशन नहीं। जी सर आप आइए, इमाद इमाद आ जाओ सर, ओवर टू यू सलमान। मैं पूरे कराची से ये दुआ करूंगा, कहूंगा कि दुआ करें कि इंशाल्लाह फाइनल कराची में है और इंशाल्लाह हम लोग फाइनल तक पहुंचे और इस शहर को हम जो है ना जिस तरह से शहर में खुशियां वापस आई हैं और मजीद खुशियां लेकर आए। और बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे यहाँ पाकिस्तान आना शुरू हो गए और इंशाल्लाह बहुत बड़ा मैच होगा 25 तारीख को कराची का फाइनल। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हमारी टीम बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ये क्रिकेट हमारे मुल्क में वापस आ चुकी है और जितना काम हम लोग कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर हमें जो है ना हमारी टीम को और राशिद भाई को और जितने भी हमारे सेलेक्टर्स हैं उन सबको मुबारकबाद देंगे। और मैं अपने स्पॉन्सर्स को ऑफकोर्स फिर शुक्रिया करूँगा, बैरिया टाउन, नूरपुर, आर्केडियंस, इम्तियाज स्टोर, ब्राइटो, नया नाजमाबाद, हमारे सारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमारा हर साल साथ दिया है और इस टीम को बड़े से बड़ा किया है। और मैं ये बताऊँगा कि इस दफ़ा हमने सैफ के साथ अपना हाथ मिलाया है, शाहिद ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है और मैं चाहूँगा शाहिद के लिए एक और तालियां बजाएं प्लीज़ सब लोग मिलके। कि हम लोग शाहिद जितना काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, स्कूल्स हॉस्पिटल्स खोल रहा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी इसको फ़ोन को शायद को सारा वक्त ट्रैवल कर रहा होता है यहाँ से वहाँ, इंटीरियर पंजाब सिंध हर जगह ये अपना काम कर रहा है। और मैं सबको कहूँगा कि PSL को देखें, आप लोगों की वजह से PSL यहाँ तक पहुँचा है और इंशाल्लाह कराची किंग जीतेगा। जीतो पाकिस्तान, जीतो कराची किंग।